बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट साहब, सेवंथ क्लास इन कंटिन्यूएशन टू आवर टॉपिक दिगंबर कैट पोएम रिटन बाय टीएस एलियट। हम इसका जो अगला हिस्सा है इसका पढ़ने जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैट हु इज अनयूजुअल इन हिज हैबिट्स, यानी उसका एक गैर मामूली सी कैट है। क्यों गैर मामूली है? क्योंकि ये दूसरे कैट की तरह नहीं है। ये चूहों को सिखाती है, चूहों के लिए पकाती है। ऐसा है कि जो आमतौर पर कैट होते हैं दैट इज चेजिंग द रैट्स, उनके पीछे लग जाती है, उनको भगाती है, लेकिन ये वो कैट नहीं है। ये दूसरी किस्म की कैट है, क्योंकि शी इज डीपली कंसर्न्ड विद द वेज ऑफ द माइस। उनको इसको ये जो चूहे हैं, चूहे के तौर तरीकों से ये बहुत परेशान है, क्योंकि उनका चाल चलन इन चूहों का ठीक नहीं है। चलो हम ये क्या नाम है इसका स्टंजा 3 पढ़ेंगे। लाइन नंबर 9 से हम शुरू करेंगे। शी इज डीपली कंसर्न्ड विद द वेज ऑफ द माइस, देयर बिहेवियर इज नॉट गुड and their manners not nice. So when she has got them lined up on the morning, she teaches them music, crotching and tatting. I have a gumby cat in mind. Her name is Jenny the Dot. Her equal would be hard to find. She likes the warm and sunny spots. All day she sits beside the hearth or on the bed or on my head. She sits and sits and sits, and that's what makes a gumby cat. But when the day's hustle and bustle is done, then the gumby cat's work is but hardly begun, and she finds that mice will not ever keep quiet. She is sure it is due to irregular diet, and believing that nothing is done without trying, she sets right to work with her baking and frying. She makes them a mouse cake of bread and dried peas and a beautiful fry of wine, bacon and cheese. तो ये जो हमने लाइन्स पढ़े इनमें हम देखेंगे कि पोएट जो है वो क्या कहना चाहता है। तो आज हमने ये जो है गंभीर कैट के बारे में हमने पढ़ा। ये गंभीर कैट जो है an unusual type of cat who is concerned about the behavior of the mice. She finds that the behavior of the mice is not good and their manners are not up to the mark, or their manners are not nice. Concerned जो है word यहाँ पर concerned आ गया। कंसर्न को बहुत सारे मीनिंग है। कंसर्न मीनस होता है वो परेशान भी। कंसर्न होता है कि किसी को किसी की फिक्र है। वन पर्सन इज कंसर्न अबाउट बिहेवियर ऑफ सम अदर पर्सन, यानी उसको फिक्र है कि मैं इसका बर्ताव जो है किस तरीके से ठीक कर लूं। तो इस जो कैट है शी इज कंसर्न अबाउट द बिहेवियर ऑफ द माइस। तो इसी तरीके से यहां पर एक और वर्ड है, ये उनके मैनर्स। मैनर्स होता है, यह होता है ये फिक्र या परेशानी। तो इसी तरीके से यहां पर है मैनर्स बर्ताव, यानी उनका बर्ताव जो है दैट इज नॉट अप टू मार्क, ठीक नहीं है। सो व्हेन शी हैज गॉट देम लाइन्ड अप ऑन द मॉर्निंग, तो क्या होता है जब सुबह सवेरे इनको खड़ा करती है एक लाइन में, तो उस वक्त क्या करती है ये? She teaches them music, crotching and tatting.
तो इनको सिखा दी है मैनर्स के साथ साथ इनको क्या सिखा दिया है, इनको म्यूजिक सिखा दिया है और इनको सिखा दिया है कोचिंग। कोचिंग होता है, ये काम होता है वो जो कपड़ों पर हम करते हैं बुनाई। तो इसी तरीके से एक और है टैगिंग। क्रोचिंग टैगिंग जो होता है, ये जो क्रोचिंग ये भी कपड़ों पर ही बुनाई का काम करना होता है, और ये टैगिंग जो होता है ये वो बुनना होता है वो जालर जैसा, वो जालर बनाना जैसे वो हम वो एक छोटा सा होता है वो लोहे का बना होता है कैसे पट बना साली तिमो सत जालर बना जालर बुनना। तो टैगिंग भी इसी तरीके से कपड़े पर वो क्रोशिया से काम करना होता है, ये उनको वही सिखाती है ये बिली। I have come back in my mind, her name is Jenny and it thoughts। तो फिर से शायर कहता है कि मैं एक ऐसी बिली मेरे जहन में है, मेरे मन में है, जिसका नाम है जेनी एंड थॉट्स। हर इक्वल वुड बी हार्ड टू फाइंड, शी लाइक्स द वार्म एंड सनी स्पॉट्स। शायर भी कहता है कि उसका उसके जैसी कोई और बिल्ली मतलब ढूंढनी बहुत ही मुश्किल है। पहले मैंने आपको बताया एन अनयूजुअल कैट, अनयूजुअल इस सूरत में है कि ये म्यूजिक सिखाती है चूहों को, ये टैटिंग उनको सिखाती है, कटिंग इनका सिखाती है, इसलिए ये अनयूजुअल है और इसका जैसा ढूंढना भी मुश्किल है। ऑल डे शी, हाँ अब क्या है वो ये शायर कहता है कि शी लाइक्स द वार्म एंड सनी स्पॉट्स, वो जगह वो जहाँ पर गर्मी है वो जगह वो पसंद करती है, धूप वाली जगह या जहाँ पर सुहानी गर्मी, जहाँ पर वो गर्मी ना ज्यादा ही ना कम है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर की हम बात करते हैं, जहाँ पर बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर हो। ऑल द डे शी सिट्स बिसाइड द हर्थ, आप क्या कहते हैं दिन भर वो कहाँ पर होता है, हर्थ, हर्थ के हर्थ होता है HEARTH, यह होता है चूल्हा, चूल्हा चूल्हे के नजदीक ही बैठती है गर्मी अपने आप को सिकने के लिए, गर्मी लेने के लिए वो चूल्हे के नजदीक ही बैठते हैं, या कभी कभी मेरे हेड पर बैठती है। शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स, दैट्स व्हाट मेक्स इट कम्प्लीकेटेड, बैठती रहती है बिल्कुल ये जैसा पहले मैंने बताया, शी सिट्स आइडल, उसका कोई काम ही नहीं है बगैर यह कि चूहों को सिखाती है वो म्यूजिक व्यूजिक वगैरह, यानी बैठती रहती है ज्यादा दिन, ज्यादातर बैठती रहती है। बट व्हेन द डे इज हसल एंड बसल इज डन, चूंकि एक अनयूजुअल किस्म की कैट है, दिन भर कोई काम नहीं करती है, तो जब दिन की हसल बसल चहल पहल जब दिन की जब खत्म होती है तो अपना काम उसको मुश्किल से ही शुरू करती है। द गंभी कैट्स वर्क इज बट हार्डली बिगन, एंड शी फाइंड्स दैट माइस विल नॉट एवर कीप क्वाइट, ये भी जानती है कि जो चूहे है ये खामोश कभी भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये इनका काम ही होता है कुतरना, इनका काम ही है दौड़ना, शोर मचाना। शी इज श्योर इट इज ड्यू टू इरेगुलर डाइट, तो इसको ये बिल्कुल यकीन है कि इनकी ये जो बुरी आदतें हैं इट इज बिकॉज ऑफ देयर इरेगुलर डाइट, यानी वक्त पर नहीं खाना है या कभी ज्यादा खाना है या खाते ही रहना है, इरेगुलर डाइट की वजह से इनकी ये बुरी आदतें हैं। And believing that nothing is done without trying, तो ये भी जानती है कि जब तक हम किसी चीज में कोई कोशिश ना करें तो कोई चीज कर होता नहीं है, बनता नहीं है। She sits right to work with her baking and fry, तो ये क्या करती है, ये अब उनके लिए baking करती है, इनके लिए frying करती है, यानी इनके लिए पकाने का काम करती है ये। She makes them a mouse cake, उनके लिए एक mouse cake बनाती है bread का, and ड्राइड पीस, इसी तरीके से सूखे मटर के इनके लिए तैयार करती है, एंड ए ब्यूटीफुल फ्राई ऑफ लीन बैकन एंड चीज, इस तरीके से इनके लिए लीन होता है वो गोश्त जिसमें वो चर्बी वगैरह नहीं होते, यानी दुबला पतला सा हम भी कहेंगे, यानी इसमें वो गोश्त जिसमें चर्बी ना हो, बैकन जो है ये होता है बगैर चर्बी वाला। इस तरह कैसे है बैगन, बैगन होता है सुअर का गोश्त,
यानी वो स्वर का बोझ जिसमें चर्बी वगैरह नहीं है तो उनके लिए वो डिश भी बनाती है एंड चीज, और उसके साथ साथ चीज, चीज तो आप जानते हैं चीज तो पनीर होता है, तो पनीर का डिश भी उनके लिए बनाती है ये बिली। तो यहां तक आपने ये लाइन नंबर 24 तक आपने पढ़ा, तो इसमें आपने ये भी देखा कि इसके क्या क्या मसरूफियात है, ये क्या क्या काम करते हैं। और ज्यादातर हम देखते हैं कि दिन में ये आइडल रहते हैं, दिन में ये बैठती रहते हैं, और जब दिन की चहल पहल खत्म होती है तो उसका काम शुरू होता है। इसमें माउस को म्यूजिक सिखाने में, ये जो माइस है, चूहे जो है, उनको ये सिखाने में, म्यूजिक सिखाने में, क्रचिंग सिखाने में और टैटिंग सिखाने में, और उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ डिशेज बनाती है। उनके लिए आपने देखा कि वो बगैर चर्बी वाला सोर का गोश्त उनके लिए तैयार करती है, उनके लिए ये क्या नाम है ड्राइड पीस बनाती है। तो आज के लिए इतना काफी है, तो आप इसको एक दो बार इसको दोहराएगा।